हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित के बारे में, निकलम सूत्र के द्वारा भाग विधि। इससे पहले हमने इसी प्रश्नावली पर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गुणा के बारे में, जिसमें हमने चार विधियों के बारे में अध्ययन किया था, एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन न्यूनेन और आपका निकलम सूत्र और उधर तिरंग्याम सूत्र। ये चार सूत्र पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे। जो वैदिक गणित इस बार आपकी क्या है, पांच अंक की रखी गई है, उसी पर हम अब चर्चा करते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम बात देख लेते हैं निखिलम विधि से भाग करना। देखिए साथियों, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि निखिलम हम कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये आपका भाजक है। क्या है? भाजक है। इसका भाग देना है। ये आपका भाज्य है और ये आपका क्या है दोस्तों? भाजक। तो हमें सबसे पहले इसमें हल करने के लिए इसको यहां पर तीन कॉलम अपने को बनाने हैं, एक दो और तीन। ठीक है दोस्तों, यहां आपका जिसका भाग देना है उसको इधर रखना है। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक रखने के बाद अब इस कॉलम में कितना रखना है, इस कॉलम में कितना रखना है, इसके लिए हमारे पास क्या है, हमें यह देखना है कि सत्यान में हमें सबसे पहले आधार देखना है किसके आसपास है। ये 10 के आसपास है या 100 के आसपास है? हम जानते हैं ये आपके पास क्या है, 100 के पास में है। तो अपना क्या हो जाएगा, या आधार जो हम मान लेते हैं 100। ठीक है दोस्तों, अगर आधार आपके पास 100 है, आधार में 2 जीरो है, तो हमारे पास इस तीसरे खंड के अंदर इस संख्या का 2 अंक होना चाहिए, यानी कि इधर क्या लिखेंगे अपन, 4 और 5 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी जो बचता है, बच जाते हैं अंक, वो हम इस कॉलम के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना, समझ में आ गया? जहां आधार के पास की संख्या का भाग देना है, वहां हम निखिलम विधि का उपयोग करेंगे भाग देने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आधार इसका 100 मान लिया, तो इस 100 में 2 जीरो है, हमारे पास इधर 2 अंक होंगे। अगर यह आधार हम 10 मानते तो इधर 1 अंक ही होता है, क्योंकि 10 में 1 जीरो है, उसका भी हम आगे सवाल करते हैं। अब बाकी बस ये हमने यहाँ आधार 2 जीरो, 2 संख्या यहाँ लिख दी, बाकी इधर लिख दी। अब यहाँ पे क्या, इसका विचलन कितना है, 100 से कितना कम या ज्यादा है, ये हमें देखना है। जो मैंने यहाँ लिख दिया, 100 से कितना कम है, आपका 3 कम है, तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, आपको यहां पहली जो संख्या है उसको आपको जैसी है वैसी की वैसी ही लिखनी है। यहां 1 है, मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, इस 1 को इस 0 3 से गुणा करना है। क्या करना है, 0 3 से गुणा करके क्या आएगा, 0 3 ही आएगा, क्योंकि अपने पास क्या आधार 100 है, 2 जीरो है, इसलिए 2 संख्याएं अपने को लेनी है। इस 0 3 को हमें एक तो यहां रखेंगे और दूसरा यहां रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको जोड़ेंगे। क्या करिए, इनको जोड़ेंगे। ये जोड़ का निशान लगाना नहीं, केवल बता रहा हूं, बताने के लिए लगा रहा हूं, ये जोड़ आपको यहां लगानी नहीं, केवल जो जोड़ते हैं तो अपने पास ये 2 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने पास 2 आ गया। अब इस 2 का क्या करना, वापस जैसे यहां हमने गुणा किया वैसे इस 2 का 0 3 से गुणा करते हैं। किससे करते हैं, 0 3 गुणा 2। पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये है। अब इसको गुणा करते हैं, अपने पास क्या आएगा, 0, ये संख्या खत्म हो गई, 0 और 6। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ना है। क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 6 5 11 हासिल का 1, 4 3 7 एक हासिल का 8। यहां पे आपका क्या है, ये इक्रियाशी, इक्रियाशी जो आया आपका भाज्य से कम है। ठीक है, तो ये यहां पे अपना भाग खत्म हो जाता है। इस तीसरे कॉलम में जो बचता अपने पास, वो आपका क्या कहलाता है, शेष फल कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, शेष फल कहलाता है। और मध्य खंड में जो आता है वो आपका भाग फल कहलाता है। क्या कहलाएगा साथियों, ये आपका भाग फल है। ठीक है ना साथियों, चलिए इसी के ऊपर हम एक दूसरा सवाल करते हैं। हम ये सवाल देखते हैं, देखिए 311 भाजक 8। ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे पहले
देखना है कि निकिलन विधि से भाग होता है कि नहीं होता है, हम आधार के देखते हैं। भाग भाजक जो है वो आपका क्या है, 10 के पास में, यानी कि ये आधार के लमसम। सबसे पहले आधार इसका मान लेते हैं हम, आपका 10 हो गया। आधार कितना हो गया, आधार आपका 10 है, यानी 10 के पास में है, इसका मतलब हम इसमें निकिलम विधि से भाग कर सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं, तीन खाने बना देते हैं। कितने बनाए साथियों, तीन खाने, यहां 8 लिखा और 10 से कितना विचलित कर रहा है आपके पास, ये 2 है, इसलिए हमने यहां पे 2 लिख दिया। अब साथियों इस आधार में कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो इस 311 में से हम इस खाने में केवल 1 लिखेंगे, बाकी संख्या बची है 31, वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यहां पे क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, लिखना आ गया, एक बार वापस देखिए आप, आधार में 1 0, इसका मतलब तीसरे खंड में आपको एक ही संख्या लिखनी है, बाकी संख्या को मध्य खंड के अंदर लिखना है। ठीक है दोस्तों, आप पहले खंड में आपका जिसका भाग दे रहे हैं 8 का, और उसके नीचे उसका विचलन कितना है वो लिखना है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये 3 हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपने पास क्या है, इस 3 को, ये 3 है जो इस 2 से गुणा होगा और अपने पास क्या आएगा, 6 आएगा। इस 3 को इस 2 से गुणा करना है और ये 6 आएगा, 6 को इसके नीचे रखना है, 1 के नीचे, 3 का अगली संख्या 1 है, इस 1 के नीचे रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 6 1 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 7 को क्या करना, इस 7 को इस 2 से गुणा करेंगे, जैसे मैं यहां दूसरा स्टेप लिखता हूं, 2 गुणा 7, 2 ये 7 है, ये 2 हो, यह आपके पास कितना हो गया, 14 हो गया। मैं 14 को यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अब हम इनको जोड़ते हैं, अपने पास 4 1 5 और 15 हो गए। अब देखना साथियों एक चीज यहां पे ध्यान देना, यहां पे जो अपना संख्या बच रही है, क्या है बच रही, संख्या बच रही है 15 है, 15 क्या है, इस 8 से अधिक है, यहां 8 जिस संख्या से भाग देते हैं उससे छोटी आ जाती है, तब तो हम भाग खत्म कर देते हैं, लेकिन यहां पे 15 शेष फल की जगह आ गया, इसका मतलब भाग एक और बार जाएगा, हम इसमें एक और बार भाग देते हैं, तो एक बार और भाग देंगे इसमें, हम एक बार और दिया। ठीक है दोस्तों, एक बार भाग दिया मतलब ये प्लस 1 हो जाएगा इधर, तो और ये संशोधित भाज्य करेंगे, क्योंकि इसमें शेष फल अपने पास ज्यादा बच जाता है, इसलिए अगर कम होता है, पिछले सवाल में हमने देखा वहां कम था तो क्रियाशील, तो क्रियाशील लिख दिया, यहाँ कम ज्यादा हो गया। अब इसमें से 15 में से 8 घटा लेने हैं, अपने पास 7 जाएगा और ये आपके पास 38 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए साथियों, इसका जो भाग फल है आपका 38 हो गया और शेष फल आपका 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम एक सवाल और देखते हैं इसी विधि के ऊपर, निखिलम विधि के ऊपर। अब देखिए इसमें पहले आप 3 कॉलम बना लीजिए, ये 3 कॉलम बना लिया, और आपका आधार सबसे पहले आप लिख लीजिए कि आधार कितना लेंगे, 88 चूंकि 100 के पास होता है, इसके पास आती हो 100 के पास, तो आधार अपना क्या लेंगे, 100 ले लेंगे। अब बात आती है आधार का, 100 लिया, आधार में 2 0 है, कितने जीरो साथियों, 2 0 है, तो इस संख्या में से भाज्य में से 2 अंक आपको इधर लिखने हैं, बाकी बचा अंक ये आप पे इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्या करना, ये 88 लिख दिया और ये आपका विचलन कितना हो रहा, 100 से विचलन आपका 12 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने 12 यहाँ पे लिख दिया। अब हम बात कर लेते हैं, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, और ये 1 है, जैसा है वैसा का वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इस 1 को इस 12 से गुणा करना है, इससे गुणा करेंगे, इस 12 से गुणा करेंगे, 1 12 गुणा 1 बराबर 12, हम इसको इस प्रकार से 1 और 2 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, 1
इसके नीचे, आगे दो आया तो इसके नीचे हो गया। अब इसको जोड़ते हैं अपने पास, ये आपके पास क्या आएगा, वापस एक आएगा, फिर वापस इस एक को इस 12 से गुणा करना। क्या साथियों, इस एक को इस वाले एक से इस 12 को गुणा करेंगे, अपने पास क्या आएगा, एक और दो। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको जोड़ते हैं, आपके पास 5 और ये 3 × 4 कितने बच गए, 45 शेषफल बच गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना भाग हो गया, ये आपका शेषफल हो गया और ये आपका भागफल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये विधि आप की जो है हमेशा जहां भाजक जो है आधार के आसपास अगर होता है वहीं हमें काम लेनी चाहिए, वहीं पर ये उपयुक्त है। इसी के साथ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकन जरूर दबा देवे। फिर मिलेंगे वैदिक गणित के ही दूसरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।